गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑडियो सबका क्लियर है? सही है, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑडियो क्लियर है सबका? ऑडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट है किसी को? अप टू एक्सरसाइज 9.5, ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के, आई होप कि सबने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो भी मैंने बता दिया था, तो और कोई डाउट हो तो अभी कर सकते हो, नहीं तो फिर हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। और कोई डाउट है किसी को? नहीं है, सारा कंप्लीट हो गया है। चलो, तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप से होता है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा हमें दिखाई देता है ना? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट होगा वो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, dy by dx plus p of y p into y equal to q। ठीक है, एक फर्स्ट फॉर्मेट आपको इस टाइप का मिलेगा। यहां पे p and q are functions of x only, p and q are function of x only। ठीक है, तो यहां पे p और q हमेशा x का ही फंक्शन होना चाहिए और किसी भी टर्म का फंक्शन हम इसको नहीं लेंगे यहां पे। ठीक है, तो आपको लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स देखे थे और वहां पे हमने डिसाइड किया था कि कौन सा हमारे लिए सुटेबल होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, इसी का एक दूसरा फॉर्मेट भी फेमस है, लेकिन वो उससे क्वेश्चंस कम आते हैं। पर्टिकुलरली अगर आपको अगर कुछ ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बनाने हैं तो वो इस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहां पे देखो dy by dx करेंगे तो यहां पे p के साथ y होगा। अगर dx by dy फॉर्मेट का हो तो यहां पे x होना चाहिए। ठीक है, और इस केस में p एंड q क्या होगा? r फंक्शन ऑफ y ओनली। ठीक है, तो p और q में हमेशा इसी टाइप से हम उसको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो ये दो टाइप के हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म देखा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। मेनली इसमें से हम इस वाले फॉर्मेट को लेके चलेंगे भी। ठीक है, जितना कुछ इसके लिए वैलिड होगा उतना कुछ ही इसके लिए भी वैलिड होगा, तो हम इसी को लेकर सॉल्व करेंगे और बाकी कुछ दो चार क्वेश्चन हम इस पे भी करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो देखो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो किस फॉर्मेट का होगा। तो सबसे पहली चीज हमें याद रखनी है कि जब भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो तो पहले उसको इस फॉर्मेट में लिखो। ठीक है, और इस फॉर्मेट में लिखने के बाद आपको यहां पे क्रॉस चेक करना है कि क्या इसमें वेरिएबल सेपरेबल काम कर सकता है कि नहीं। ठीक है, बार बार मैं सारे मेथड्स को रिवाइज करा रहा हूं। अगर पहला मेथड काम नहीं करेगा तो हम होमोजीनियस पे आएंगे। ठीक है, और अगर होमोजीनियस भी काम नहीं करेगा तो हम लीनियर पे आएंगे। ठीक है, लीनियर में भी अगर ऐसा काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बार आप dx by dy भी चेक करो। ठीक है, तो ये चेक करने वाली बात है कि dy by dx फॉर्मेट में कैसा होता है। तो इस वाले फंक्शन को हम लीनियर में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो dy by dx plus p of y equal to q, तो हमें इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? अभी तक तो हमने बस उसको डिफरेंशिएट किया अलग अलग तरीके से, है ना,
और वहां पे हमने देखा कि कैसे वो कैसे हम उसको लीनियर में चेक कर सकते हैं कि है या नहीं। ठीक है, लीनियर में एक चीज आप ध्यान रखना, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है लीनियर का, कोफिशियंट ऑफ dy by dx शुड बी 1। याद है, अगर 1 नहीं है तो आप उसको 1 बना लो। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखना है आपको कि अगर इसका कोफिशियंट 1 नहीं है, जैसे लास्ट क्लास में कुछ था तो हम उसको डिवाइड करके p और q निकाल रहे थे, है ना। तो ये p और q की वैल्यू जो है ये तभी होगा जब इसका कोफिशियंट 1 होगा, है ना। डायरेक्टली आप इस y के कोफिशियंट को आप p और q नहीं बोलोगे, ठीक ना। तो कोफि dy by dx के कोफिशियंट को, इसका कोफिशियंट देखो यहां पे कितना है, 1 है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, दूसरी चीज, p एंड q should be function of x only। ठीक है, ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि जब भी आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करोगे तो ये सब चीजें चेक करोगे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या था कि ऑर्डर और डिग्री कितना होना चाहिए, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी 1, है ना। दोनों ऑर्डर एंड डिग्री दोनों 1 होना चाहिए, और साथ ही साथ पावर ऑफ y शुड बी ऑल्सो 1। ठीक है, पावर ऑफ y शुड बी ऑल्सो 1। यहां पे देखो ये dy by dx है, ठीक है, और यहां पे y है, तो इसका पावर देखो हमेशा 1 होना चाहिए। कोई और पावर होगा तो फिर ये इस वाले इस तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये 3-4 कंडीशन है, हर एक क्वेश्चन में आप इन सारे कंडीशंस को एक बार चेक करने का ट्राई करना कि अगर ये चीज सेटिस्फाई हो रहा है तभी हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम पे आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो इसी टाइप से दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कहीं कुछ और दिया जाता है तो आप पहले एडजस्ट करो कि इस फॉर्मेट में हमारा आ जाए, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, हमें वो सीखना है। ठीक है, तो देखो यहां पे जो आपके पास टर्म है dy by dx, ठीक है, मैं फिर से लिखता हूं dy by dx plus p of y equal to q। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पे आपको करना क्या है कि एक ऐसा फंक्शन हम g चूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के किसी भी फंक्शन को आप ये वेरिएबल सेपरेबल या होमोजीनियस वाले पार्ट से सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो उस पार्ट से क्योंकि सॉल्व नहीं होता है तो हमें इसे अलग मेथड सोचना होता है। ठीक है, तो मैं इसी फंक्शन को फिर से लिख रहा हूं dy by dx plus p of y equal to q। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है कि एक ऐसा फंक्शन g चूज किया जाता है, g of x। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पूरे फंक्शन को g of x से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है, अगर मैं इसको g of x से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि वो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, तो मैंने इसमें क्या किया, पूरे फंक्शन को g of x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या सोचा गया इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि देखो अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है हमारे पास ये वाला, ये कंप्लीट टर्म, ठीक है, अगर ये कंप्लीट टर्म हमारा ये हो जाता d ऑफ dx y टाइम्स g ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू g ऑफ x इंटू क्यू। ठीक है, ये कैसे हुआ हम उस पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हमने ये चीज हमें यहां तक लेके आना है। ठीक है, अगर ये चीज हमें आ जाता तो देखो आप डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट करोगे तो आपका डायरेक्टली आंसर y मिल जाएगा कि नहीं। क्लियर है सबको, है ना। तो यहां पे जो हमने gx से मल्टीप्लाई किया है ना, यहां पे v और यहां पे हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड इस वाले में मल्टीप्लाइड g of x ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहां पे जो आपने g of x को दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया, g of x को मल्टीप्लाई करने के बाद ये
चीजें अगर इसमें कन्वर्ट हो जाता ठीक ना, तो हमारा काम क्या हो जाता, इजी हो जाता, क्लियर है। क्योंकि अगर हमारे पास ये हो जाता तो देखो यहां से अगर आगे हमें सॉल्व करना होगा तो हम क्या सॉल्व करेंगे, सिंपली आप क्या करो डी डी एक्स वाई ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स और यहां पे क्यू है। देखो अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, डीएक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये वाला कंप्लीट टर्म लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म क्या बन जाएगा, वाई ऑफ जी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू जी एक्स इंटू डी एक्स। क्यू भी आपका एक्स का फंक्शन है, जी एक्स भी आपका एक्स फंक्शन है, डीएक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, आपका आंसर एक्चुअली में सॉल्व, आपका जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां पे आ रही है कि ये चीज इसमें कन्वर्ट होना चाहिए था, है ना, अगर कन्वर्ट हो जाता तो हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो आप gx से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक ना, आपने जो gx फंक्शन यहां पे देखो मल्टीप्लाई किया है, आपको gx इस तरीके से चूज करना है कि ये कंप्लीट टर्म इसमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट बना के लिख लो, वी हैव चोजन g ऑफ x इन सच अ वे, वी हैव चोजन g ऑफ x इन सच अ वे दैट, हमने g ऑफ x को किस तरीके से सोचा है, सच दैट डी जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस जी एक्स पी है और ये y है इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स वाई ऑफ जी एक्स। क्लियर हुआ, हमें इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग में ही gx आपको हमें इस तरीके से चूज करना है कि ये चीज इसके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। और ये चीज इक्वल हो गया तो फिर हम आगे प्रोसीड करके क्वेश्चन को अपना इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हमारा अब काम क्या सिर्फ बच गया कि हमें एक ऐसा gx खोज लेना है जिसके लिए ये दोनों चीज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना। तो देखो वी हैव चोजन जी एक्स इन सच अ वे दैट, ये वाला जो लेफ्ट हैंड जहां पे हमने जीएक्स से मल्टीप्लाई किया था उसको हमने किसके इक्वल कर दिया, इस वाले पार्ट के, ठीक है। और अगर ये दोनों चीजें इक्वल है, ठीक है, ये दोनों चीजें अगर इक्वल है तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डी जी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई जी ऑफ एक्स इक्वल टू, यहां पे चेन रूल लगा के हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो जी एक्स को हमने बाहर रखा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को हमने बाहर रखा और ये क्या बन गया जी डैश एक्स, ठीक है। अब देखो यहां से कुछ टर्म कैंसिल हो रहा होगा, कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है, कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, देखो ये वाला और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है, ये वाला और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। और इस तरफ से देखो y और y भी कैंसिल हो जाएगा, इस कैंसलेशन के बाद y भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो हमारे पास टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, देखो y कैंसिल हो गया पी ऑफ जी वाई सॉरी पी ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स, क्लियर है। और इसको अगर मैं इस तरफ डिवाइड कर दूं तो देखो ये क्या बन जाएगा, तो मैं यहां पे p को क्या लिख सकता हूं जी डैश एक्स बाई जी एक्स, ठीक है। और अगर मैं अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करूं किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है ना, ये भी पी भी क्या है एक्स का फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट तो यही सेम ही है इक्वल टू, यहां देखो नीचे वाले को अगर आप टी सब्स्टिट्यूट करोगे, है ना, यहां पर दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट क्या है, इंटीग्रेबल है, जी एक्स किसी भी टाइप का फंक्शन हो फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा आप इंटीग्रेट कर पाओगे। तो हमें करना क्या है, जी एक्स को टी लेना है, तो जी डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया डी टी, ठीक है। और यहां पे आप पुट करोगे तो ये देखो कितना बन जाएगा डी टी बाई टी, ठीक है। और इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, तो ये पी डी एक्स इक्वल टू एल एन टी, ठीक है। यहां पर मैं कॉन्स्टेंट अभी नहीं ले रहा हूं, अब देखो यहां से देखो टी की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं,
है ना, और t एक्चुअली में क्या था, g ऑफ x था, तो इंटीग्रेशन ऑफ p dx है ना। देखो मैंने यहां पे कांस्टेंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी मेरा इंटीग्रेशन का साइन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन, ये वाला इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा तब हम यूज करेंगे, इक्वल टू ln gx, और यहां से आप gx क्या लिख सकते हो, देखो gx इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। और ये एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। हमने जो सोचा था कि हमें एक ऐसा gx मल्टीप्लाई करना है जिससे ये चीज इसमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको स्टार्टिंग में लेके चलता हूं, देखो जो हमारा प्रोसेस था, हमारे पास ये इक्वेशन था, इसमें हमने gx से मल्टीप्लाई किया और इस तरीके से gx चूज किया कि ये इसका डेरिवेटिव बन जाए। तो gx को हमेशा हमें किस फॉर्मेट में लेना पड़ेगा, ऑलवेज इसी फॉर्मेट में लेना पड़ेगा, क्लियर है, है ना। तो इसी वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा gx है, इस वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। यानी जो हमारा gx का टर्म होता है वो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहां पे देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैं आई एफ से नोट कर रहा हूं, e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। तो आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मैं इस gx से मल्टीप्लाई करूं और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, तो हमारा इंटीग्रेशन देखो सिंपली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पे देखो इस वाले पार्ट में कन्वर्ट होकर यहां से आप डायरेक्टली यहां तक पहुंच सकते हो, क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये देखो ये चीज आपको एग्जाम में प्रूफ नहीं करना है, ठीक ना। अब जब क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने यहां तक इसको सॉल्व कर लिया, तो बार बार हम इस चीज को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखो मैं फिर से आ रहा हूं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे, जो हमारा लीनियर इक्वेशन था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, है ना, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था। यहां पे पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, है ना, पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, और अगर ये सिर्फ एक्स का फंक्शन है तो हमें जब इसको स्टार्ट करना होगा तो सबसे पहली चीज जो हमें कैलकुलेट करनी होगी वो क्या कैलकुलेट करनी होगी, है ना, सबसे पहली चीज जो हमें कैलकुलेट करनी होगी वो क्या कैलकुलेट करनी होगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है कि नहीं, पहली चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी होगी, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, कैलकुलेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब देखो इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट में और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कौन सा ऐसा टर्म है जो आपको नहीं पता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल e की पावर में हमें किसको इंटीग्रेट करना है, पी डी एक्स को, पी कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पी डिफरेंट मेथड में कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो यही पी हमें कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने वहां पे आपको आपसे पी और क्यू कैलकुलेट करवाया था। तो पहली चीज हमें करना क्या है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपका पता चल गया कि ये लीनियर बन रहा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज इसके बाद हमें करना क्या है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो देखो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर p dx dy बाय dx प्लस py e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx इक्वल टू q e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और आपको अगर याद हो तो ये चीज एक्चुअली में क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट एक्चुअली में क्या बन जाएगा, d by dx of e to the power integrating factor into y, है ना, यहीं से हमने स्टार्ट किया था, और इक्वल टू हम क्या लिख पाएंगे, q into e to the power integration of p dx, है ना। p और q की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि इस वाले पार्ट को हमें कैसे सॉल्व करना है, और इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दोगे, है ना, क्योंकि हमें एक्चुअली में y निकालना है,
तो दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या बच जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx इन टू वाई इक्वल टू q e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इन टू dx। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसमें आपको लास्ट में एक कांस्टेंट c ऐड करना है। ठीक है, बीच में इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले पार्ट पे कहीं पे भी कांस्टेंट हम यूज नहीं करेंगे। क्लियर है, तो क्या स्टेप्स फॉलो करना है, समझ में आ रहा है? सिंपली आपको पहली चीज इंटीग्रेटिंग फैक्टर अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे निकलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको ये चीज आइडिया मिलेगा कि हम इसको कैसे आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो कर पाएंगे आगे हम लोग? देखो, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके बताओ मुझे। पहला क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास, एक एग्जांपल लेते हैं, लिखो, एग्जांपल नंबर वन, dy by dx माइनस dy by dx माइनस y इक्वल टू cos x। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये चेक करना है कि वो तीन फैक्टर है ना, dy by dx का कोफिशियंट वन होना चाहिए, तो कोफिशियंट यहां पे हमें वन दिखाई दे रहा है। ठीक है, p और q यहां पे क्या होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए। तो बताओ यहां पे p की वैल्यू किसके इक्वल है, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वन, है ना, यहां पे प्लस होता था, याद होगा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या था, dy by dx plus py equal to q। ठीक है, तो हमने dy by dx के कोफिशियंट को वन बना दिया, y की पावर भी वन है, तो y के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या बन जाएगा हमारा, p, और q की वैल्यू कितनी होगी, cos x। क्लियर है, हमने p और q निकाल लिया। अब करना क्या है हमें, सबसे पहली चीज इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करनी है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस dx, है ना, और e टू द पावर माइनस x। यहां पे हमें कोई कांस्टेंट ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम क्या लिखेंगे, e टू द पावर माइनस x। क्लियर है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया। अब जब हमें सॉल्यूशन लिखना होगा तो यहां से आगे हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, इसी को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, d बाई डी एक्स ऑफ y इंटू, और इस तरीके से कर लो, दोनों तरफ e टू द पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर दो, e टू द पावर माइनस x dy वाई बाई डी एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस x इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस x इंटू cos x। ठीक है ना, यहां पे साइड में आप लिख दो, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग e टू द पावर माइनस x ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हमने बोथ साइड इसको मल्टीप्लाई किया, और ये चीज डायरेक्टली क्या बन जाएगा, यहां से आप डायरेक्टली ये चीजें लिख सकते हो, e टू द पावर माइनस x इंटू वाई, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई, ये ऑलवेज होगा क्योंकि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही इसी तरीके से कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो इस स्टेप के बाद, इस स्टेप पे आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा डेरिवेशन ही इसी पे बेस्ड है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस x इंटू कॉस x, और इसके बाद हमें करना क्या है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, तो इस तरफ हम क्या लिख पाएंगे, e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x इंटू कॉस x dx। ठीक है, अब ये वाला पार्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे हमें क्या करना होगा, यहां पे हमें क्या करना होगा, बाई पार्ट्स मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक और एलजेब्रा दोनों एक साथ मूव कर रहा है। ठीक ना, तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक और एलजेब्रा यूज करो और फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। ठीक है, तो यहां से आगे आप सॉल्व कर पाओगे, फाइनली जो आंसर होगा यहां से आप निकाल सकते हो। ठीक है, यहां से आप इसमें क्या यूज कर सकते हो, आप बाय पार्ट्स मेथड। ठीक है, बाय पार्ट्स मेथड सॉल्व करके बताना कि कितना आता है।
ठीक है, यहां से आगे आप इस मेथड से प्रोसीड कर सकते हो, है ना। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को जल्दी सॉल्व करना सीख लिया कि इसको कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं तो आपको और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल लिखो, dy बाई डी एक्स और x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पे x नॉट इक्वल टू जीरो, बाई डिफॉल्ट x नॉट इक्वल टू जीरो ही होगा, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो पहली चीज तो हमें यह देखनी है कि क्या ये चीज हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है, ठीक है। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट कौन सा होता है, डी वाई वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो यहां पे देखो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशियंट वन नहीं है, तो पहले हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू बाई एक्स वाई इक्वल टू एक्स, क्लियर है। और अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया, तो यहां से आप p की वैल्यू लिख लो, p कितना हो जाएगा 2 बाई एक्स और q कितना हो जाएगा x। p अगर हमें पता चल गया तो हम यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। और ये देखो कितना हो जाएगा, e टू द पावर 2 कॉन्स्टेंट है तो ये आंसर कितना हो जाएगा 2 ln x, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, याद होगा आपको e टू द पावर ln ऑफ x स्क्वायर, है ना। तो ln और e सेम होता है तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, x स्क्वायर के। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर, क्लियर है। और x स्क्वायर को हमें करना क्या है, सिंपली यहां पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करो, इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस वाले में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना दे देगा, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस ट्वाइस एक्स, है ना, एक नीचे से कैंसिल हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, है ना, अलग अलग मैंने लिखा है, अभी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा फिर से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई डी बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई डी एक्स, और इस तरफ क्या हो गया, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, है ना। और अब हम डायरेक्टली, सॉरी यहां पे इंडिकेशन का साइन नहीं होगा, नेक्स्ट स्टेप में इंडिकेशन का साइन लगाएंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी, है ना, और इसको इंडिकेट कर लो, ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर फोर प्लस सी, और यहां से y हम कितना लिख पाएंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्टली सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालना आपको समझ में आ रहा है कि हमें कैसे सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है और किस तरीके से हमें अपना आंसर बताना है, ठीक ना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। तो इन जनरल अगर मैं इसको समराइज करूं, इस चीज को जो हमने पढ़ा है उसको अगर मैं लिखना चाहूं कि डायरेक्टली हम कैसे लिख पाएंगे, है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई टू द पावर पी डी एक्स, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में निकालने के बाद आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करोगे, और दूसरे स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख पाओगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है कि नहीं। और उसके बाद दोनों तरफ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसके बाद इंटीग्रेट कर दो आप। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आपका किसका फंक्शन होगा, x का ही फंक्शन होगा, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली सॉल्यूशन, यहां पे कांस्टेंट ऐड कर दो। तो
तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो जाएगा, है कि नहीं? इजी सा पार्ट है, कुछ टफ नहीं है इसमें, सब कुछ आपका इसमें किया हुआ है ना, पहले भी आपने इस टाइप का इंटीग्रेशन किया था। तो यहां पे प्रॉब्लम ये थी कि हम उसको अलग अलग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने यहां पे इस मेथड से इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका वो केस जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट का हो, dy by dx फॉर्मेट का हो। अब अगर सोचो कि अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन dx by dy फॉर्मेट का होता, dx by dy plus px equal to q, तो भी हम इक्वेशन सॉल्व कर पाते कि नहीं? इसमें भी हमें क्या करना होगा, इसमें भी हमें क्या करना होगा, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, है ना? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e टू द पावर p, और यहां पे dx के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dy के रिस्पेक्ट में, क्योंकि p किसका फंक्शन हो रहा है, अब y का फंक्शन हो रहा है, ठीक है? और एक बार आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लिया तो फिर आप क्या लिख पाओगे, डी बाई डी वाई, है ना? और यहां पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, जहां पे उसमें x था यहां पे हम y से रिप्लेस कर रहे हैं, और यहां पे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है? और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, है ना? और ये प्लस c। तो अगर आपका फंक्शन dx by dy के टर्म में लीनियर हो या dy by dx के टर्म में लीनियर हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों केस में क्या कर सकते हो, सेम मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया। क्वेश्चन जब करोगे तो पहले आप देखो कि dy by dx में लीनियर बन रहा है या dx by dy में लीनियर बन रहा है, ठीक है? जिस मेथड में लीनियर बने, जहां से आपको लगे कि वहां से लीनियर बन रहा है, तो फिर हम उसको उस मेथड से सॉल्व कर पाएंगे, है ना? मेथड करने का वही है, क्लियर है? जैसे एक और एग्जांपल करते हैं तो आपको और बेटर तरीके से क्लियर होगा, ठीक है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस सेकेंड टाइप का। मान लो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है इस टाइप का, y इंटू dx माइनस x प्लस 2y² dy इक्वल टू जीरो, ठीक है? ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है। कौन सा इक्वेशन है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है? और इसने हमसे बोला कि फाइंड दी जनरल सॉल्यूशन, ठीक है? तो अगर ये डायरेक्टली इस तरीके से लिख के दे दे तो हमारा पहला काम क्या होगा, हमारा पहला काम ये होगा कि आप तो पहले इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके जाओ। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था, dy by dx, है ना? तो देखो यहां से dy by dx की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो dy by dx की वैल्यू आप यहां से देख के बता सकते हो, y by x plus 2y² देखो सही है क्या, इसको इस तरफ लेके गए और इसको डिवाइड किया, हाँ ठीक है। तो dy by dx की वैल्यू ये हो गई। अब पहली चीज तो हम चेक करेंगे कि क्या वेरिएबल सेपरेबल काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है? आपको स्टार्टिंग स्टेप बताया था, डायरेक्टली किसी कंक्लूजन पे जंप नहीं करना है, ठीक है? तो देखो क्या यहां पर वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल है, तो ये वाला मेथड यहां पे पॉसिबल नहीं है, है ना? ये आप देख के बता सकते हो। सेकेंड मेथड होमोजीनियस पे आएंगे, ठीक है? अब होमोजीनियस चेक करके बताओ कि क्या ये होमोजीनियस है। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि लेमडा एक्स और लेमडा वाई पुट करोगे तो ये होमोजीनियस फिर से नहीं बनेगा, ठीक है? तो होमोजीनियस भी नहीं बना, वेरिएबल सेपरेबल भी काम नहीं किया, तो हम थर्ड पे आ जाएंगे। थर्ड क्या हमारे पास, लीनियर, ठीक है? और लीनियर में भी हमारे पास दो केसेस बनता है, dy by dx और dx by dy, ठीक है? तो पहले मैं dy by dx में चेक कर रहा हूं, तो अगर आप dy by dx में चेक करोगे तो क्या करना होगा, देखो
dy by dx में क्या हम इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं क्या, dy by dx plus py equal to q, क्या हम इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो तो यहां पे तो प्लस का फॉर्मेट होना चाहिए, तो हमें सबको इस तरफ लेके आना पड़ेगा, है ना। लेकिन सबको इस तरफ लेके आओगे तो यहां पे देखो इसके साथ ये एक्स वाई टर्म कंबाइन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे dy by dx में भी लीनियर नहीं बन रहा है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट भी हमारे पास सॉल्व नहीं हो रहा है, क्लियर है। तो अगर ये सॉल्व नहीं होगा तो हम फिर किस में ट्राई करेंगे, dx by dy में ट्राई करेंगे। तो देखो यहां पे dy by dx हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, यहां से मैं dx by dy कैलकुलेट कर रहा हूं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली इसको रिवर्स कर दो, तो dx by dy इस तरफ रिवर्स होगा तो इस तरफ भी रिवर्स हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x plus 2y square by y, है ना। और dx by dy का फॉर्मेट क्या होता है आपको याद है, dx by dy plus px equal to q, इस फॉर्मेट का बनना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये हो गया dx by dy इक्वल टू, यहां पे डिवाइड करो, x by y plus 2y, ठीक है। देखो कुछ कुछ इस फॉर्मेट का आ रहा है, इस वाले टर्म को इस तरफ लेके आ जाओ, dx by dy minus x by y इक्वल टू 2y, ठीक है। और यहां पे आप थोड़ा सा और ध्यान से देखो, dx by dy, dx by dy minus, और प्लस में इसको लिख देता हूं, माइनस वन बाई वाई इंटू एक्स इक्वल टू टू वाई। देखो यहां पे कि जो हमारे पास इक्वेशन है, है ना, ये देखो सेम इसी फॉर्मेट का बन गया कि नहीं, ध्यान से देखो, ये हमारा यहां पे क्या हो गया, p की वैल्यू हो गई, तो p की वैल्यू y का फंक्शन होगा, याद है। और q कितना हो गया, q हमारा 2y हो गया, ठीक है। तो यहां पे डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स में ये लीनियर फॉर्म नहीं हो रहा था, है ना। यहाँ पे ये तीनों मेथड काम नहीं किया, तो हम फोर्थ वाले मेथड पे ट्राई किए, है ना। तो आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हमें पी पता चल गया, क्यू पता चल गया, तो अब हम यहां से डायरेक्टली अपना आंसर लिख पाएंगे। क्या लिखेंगे, पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना होगा, कितना होगा, ई टू द पावर माइनस वन बाई वाई डी वाई, है ना, y के रिस्पेक्ट में करना होगा। और यहां से कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एल एन वाई, और इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आता है, वन बाई वाई, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पे कितना है, वन बाई वाई है। हमें इस वाले इक्वेशन में क्या करना होगा, वन बाई वाई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें लीनियर है। तो इसमें अगर वन बाई वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई वाई डी एक्स बाई डी वाई माइनस वन बाई वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू टू। देखो ध्यान से, यहां पे हमने ठीक है, अभी सही आ रहा है, हाँ। तो मैंने ये बोला कि देखो यहां पे डी एक्स बाई डी वाई होगा यहां पे, है ना। तो डी एक्स बाई डी वाई, अब इसको मैंने वन बाई वाई से मल्टीप्लाई किया, है ना, तो ये कंप्लीट टर्म हमारा ये फॉर्म हो गया। अब इसको जब आप लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, सॉल्यूशन के फॉर्मेट में, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई, याद है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू एक्स इक्वल टू टू टाइम्स, टू टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पे ये था, ठीक ना, क्लियर है यहां तक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पे हो गया। अब देखो यहां से जब इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x by y equal to 2 dy, और x by y की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, 2y plus c, है ना। यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, x by y equal to 2y plus c, और यहां से जब x कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2y स्क्वायर प्लस सी वाई, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो मैंने दोनों टाइप से आपको बताया कि दोनों तरह के जब इक्वेशंस होते हैं तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक ओवरऑल
क्वेश्चन था, एक आइडिया था कि अगर इस टाइप से कुछ इक्वेशंस आते हैं हमारे पास, ठीक है, यहां पे देखो ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ था, तो हमने पहले इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको इसमें से सारे मेथड्स हमने जो जो पढ़े थे वो सब एक एक करके ट्राई किया, वेरिएबल सेपरेबल ट्राई किया, काम नहीं किया, होमोजीनियस ट्राई किया, वो काम नहीं किया। फिर लीनियर पे आए, लीनियर में पहले डी वाई बाई डी एक्स चेक करें क्योंकि आपके पास 90% केस में डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा, ठीक है। तो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में ये भी काम नहीं कर रहा था, तो ये काम नहीं कर रहा था, तो फिर हम डीएक्स बाई डी वाई पे आ गए, है ना। तो ये तीनों काम नहीं किया तो हम फिर डीएक्स बाई डी वाई पे, और यहां से हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड हमारे पास अवेलेबल है और किस तरीके से हमें उसको चेक करके सॉल्व करना है, ठीक ना। तो ये एक ओवरऑल आइडिया था हमारे पास कि किसी भी टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना होता है, क्या क्या प्रोसेस इसमें यूज करना होता है, ठीक है। यहां तक अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, ठीक है, तो आप अब किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो होमवर्क के लिए आपके पास अप टू एक्सरसाइज 9.5 तक में कोई डाउट हो वो तो क्लियर करना ही है, ठीक है। इस टाइप यहां तक में कोई डाउट किसी का रह गया हो कुछ भी, तो आप उन सारे क्वेश्चन को फिर से ट्राई करो, कोई डाउट हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फिर से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको एक्चुअली में एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन नंबर 1-5 ट्राई करना है, ठीक है। ऑलमोस्ट 9.5 तक सबका कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। 9.6 के 5 क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। इजी से क्वेश्चन है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। बस यही फॉर्मेट है, आप ट्राई करो, आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा बस, कि आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सको, और मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 1-5, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन 9.6 से और 5 क्वेश्चन आपका मिसलेनियस वाले पार्ट से, सेम चैप्टर का, ठीक है। तो मिसलेनियस भी ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 6 से ही है, ठीक है ना। तो चैप्टर 6 का मिसलेनियस ही है, तो 9 है, तो 9.5 और उसी का मिसलेनियस का ये 10 क्वेश्चन है आपको, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन आप ट्राई करो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कल क्लास में, है ना। तो आपका अभी थ्योरी के हिसाब से बात करोगे तो आपका ये चैप्टर में सब कुछ कवर हो चुका है, बस आपको एक्सरसाइज लगाना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो उसके लिए टाइम मिलेगा, लेकिन आपको ये चीज करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और क्लास लेंगे जिसमें मैं इसी पे बेस्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड ही और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और पीछे के जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बस एग्जाम्पल के थ्रू हम इस जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा है उन सबको रिवाइज करेंगे, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा एक्सरसाइज कंप्लीट करने का, ठीक है। लेकिन ये 10 क्वेश्चन आपको कल कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं और कुछ और एग्जाम्पल इसी के बेस्ड पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग अभी इसको यहीं पे रख रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं, ओके। कोई भी डाउट हो तो आप लोग उसको लिखते जाओ, पूछते जाओ, ठीक है। तो हम लोग कल मिलते हैं फिर, चलो बाय।